गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माय सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन इकोनॉमिक्स इन द स्कूल करिकुलम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट इज इन दिस टॉपिक विल डिस्कस रेशनल ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक्स एज द सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्टेज। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एज लेट डाउन बाय द NCERT फॉर द सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्टेज एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एज लेट डाउन बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोले तो CBSE। फर्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, रैशनल ऑफ द इंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक एट द सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्टेज की क्या रैशनलिटीज होंगी इकोनॉमिक के अपन उसमें इंक्लू इकोनॉमिक्स को अपन हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पर इंक्लूड करने के क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, क्या रैशनलिटीज है अपने, उसके बाद देख बात करते हैं। Now, NCERT has explained the rationale of the introduction of economics at the secondary stage agenda. Economics as a discipline is introduced at the higher secondary stage in the form of an elective subject. जो अपना CBSE है, NCERT ने जो higher secondary stage पर जो introduction के रूप में इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में इसको चूज किया गया है। एट द सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए कंपोनेंट्स ऑफ सोशल साइंस, जो सेकेंडरी स्टेज पर जो है उसमें स्कूल एजुकेशन में इसमें अपन जो स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स की, वो एक केवल एक सोशल साइंस के कंपोनेंट्स के रूप में उसकी स्टडी की जाती है। हैज़ बीन डेल्ट विद ए वेरी जनरल मैनर अवॉइडिंग द रिगर्स ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, जो इकोनॉमिक्स थ्योरीज वगैरह है उन सबको अवॉइड करेंगे, केवल एक सोशल साइंस के एलिमेंट्स या कंपोनेंट के रूप में ही सेकेंडरी लेवल पे इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाएगी। बट एट हायर सेकेंडरी स्टेज द स्टूडेंट्स आर इन पोजिशन टू डेवलप देयर ओन परसेप्शन, एक्सरसाइज द पावर ऑफ थिंकिंग एंड आर ऑल्सो इन ए पोजिशन टू कंप्रेहेंस एंड appreciate the basic concept and theories of economics। लेकिन जो हायर सेकेंडरी मीन सीनियर सेकेंडरी 11th 12th में जो इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि बच्चों के जो परसेप्शन है, उनकी एक्सरसाइज है, बेसिक एक्सरसाइज है, और इकोनॉमिक्स की जो कंसेप्ट और थ्योरीज है वो उनके थ्रू सीख सके, इन सबको डेवलप हो सके, परसेप्शन ऑन परसेप्शन को डेवलप किया जा सके, इसके लिए हायर सेकेंडरी लेवल पे इकोनॉमिक्स का स्टडी की जाती है। एट दिस स्टेज द स्टूडेंट्स कुड बी एक्सपोज टू द इश्यू इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, द मार्केट फोर्सेज, द स्ट्रेटजी ऑफ अचीविंग हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो अपन जो स्टूडेंट्स की जो स्टडी इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाएगी तो उसमें एक सेपरेटली डिसिप्लिन के रूप में स्टडी करेंगे, ठीक है। एट दिस स्टेज जो इसमें इन्वॉल्विंग रहेगी स्टडी में, देखिए वो मार्केट फोर्सेस, इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ अचीविंग हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कैसे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट को अचीव कर सकते वो, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस कि हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में इस इंस्टीट्यूशनल में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं वो सब, द प्लानिंग प्रोसेस, द न्यू चैलेंजेज बिफोर द इंडियन इकोनॉमी, नए चैलेंजेज क्या है इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सब चीज़ें की जो हायर सेकेंडरी लेवल पर इन सब की स्टडी की जाती है इकोनॉमिक्स के अंदर। बिसाइड द कोर्स एम्स एट एक्यूपिंग दैम विद स्टेटिकल टूल्स दैट विल हेल्प दैम अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन स्टेटिकल इंफॉर्मेशन और डेटा। जो इकोनॉमिक्स जो है इसमें जो अपन बात करें इसको, तो अपन जब इकोनॉमिक्स इसके कोर्स के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अपन स्टेटिकल टूल्स की हेल्प लेंगे
और अंडर उनको समझने के लिए स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन डेटा का यूज करेंगे एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन, और मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने का प्रयास करेंगे, कोशिश की जाएगी। द कोर्स डिजाइन फॉर द स्टूडेंट एट दिस स्टेज दस इंटेंड्स टू प्रोवाइड देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्वेंट एंड फैमिलराइज देम सेल्फ विद द रिसेंट डेवलपमेंट इन द डिसिप्लिन एज वेल एज विद द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस इकोनॉमिक्स। जो स्टेज स्टूडेंट की जो डिजाइन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए इस स्टेज पर इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी की जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं इकोनॉमिक्स में और वेरियस जो इकोनॉमिक्स फंक्शनिंग है वो किस तरीके से काम करती है किस तरीके से काम नहीं करती है उन सब के साथ फैमिलराइज हो सके स्टूडेंट, इसलिए उन सबको स्टूडेंट के साथ पढ़ाई जाती है ये सारी चीज़ें। फाइनेंशियल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या फंक्शनिंग क्या है उनकी, ये सब के ऊपर डिस्कशन किया जाता है इसमें। सम प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन द सिलेबस आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू एनेबल द स्टूडेंट टू डेवलप बेटर इनसाइट्स। दिस वुड प्रोवाइड द स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव नॉट ओनली ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट बट ऑल्सो टू अप्लाई द स्किल दैट दे हैव एक्वायर। इसमें केवल और केवल इसमें जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ाया जा रहा है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पर, इसका ऑब्जेक्टिव केवल ये नहीं है कि स्टूडेंट्स की जो बेटर डेवलप अपन वो कर सके, अंडरस्टैंडिंग को बेटर कर सके, बल्कि अब स्टूडेंट की जो उन्होंने जो नॉलेज एक्वायर की है उसका भी डेवलपमेंट किया जा सके, उसके बारे में भी बच्चों को समझ हो, इस वजह से इसका अपन स्टडी करते हैं हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पर। द सिलेबस इज सो स्ट्रक्चर एज टू हेल्प द स्टूडेंट टू यूज कंप्यूटर्स वेयर एवर एप्लीकेबल फॉर एनालाइज ऑफ द डेटा एंड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट। अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स के इसमें सिलेबस और स्ट्रक्चर वगैरह हेल्प करने के लिए स्टूडेंट्स इसमें कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, कुछ एनालिसिस ऑफ डेटा एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं कंप्यूटर का यूज़ करके, और प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट्स आदि इन चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एज लेड डाउन बाय द एनसीईआरटी। जो एनसीईआरटी के क्या ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक्स टीच करने के, वो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पर उसके स्टेज की बात अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फैमिलराइज themselves with some basic economics theories। जो बेसिक इकोनॉमिक्स थ्योरी है उनके साथ बच्चों को फैमिलराइज हो सके, एंड कंसेप्ट सच एज डिमांड सप्लाई कंजप्शन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमिक्स थ्योरी की बात करूँ कंसेप्ट है डिमांड का सप्लाई का प्रोडक्शन का कंजप्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, इन सब के साथ बच्चे फैमिलराइज हो सके कि ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे हमारे इकोनॉमिक्स में ये है और क्या इनके इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इस चीज़ों के बारे में अपन बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे सके, इसके पहला ऑब्जेक्टिव ये है। नाउ सेकंड ऑब्जेक्टिव इज अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ मार्केट फोर्सेज डिटरमाइनिंग द चॉइस एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि मार्केट फोर्सेज कैसे डिटरमाइन करते हैं हमारी चॉइस को, और उसका चॉइस को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होता है, इन सबको समझाने के लिए भी इकोनॉमिक्स हायर सेकेंडरी लेवल पर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाई जाती है, इसका ऑब्जेक्टिव है ये। नाउ थर्ड ऑब्जेक्टिव इज गेट एक्वेंटेड विद द बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स थ्योरीज ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मनी एंड फंक्शन ऑफ बैंक्स। जो नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स है, इनकम इनकम की थ्योरी है, एम्प्लॉयमेंट की थ्योरीज है, मनी एंड बैंक्स के फंक्शंस के ऊपर इसके अपन बच्चों इंट्रोडक्शन हो सके परिचित हो सके, इस वजह से भी इसके ऑब्जेक्टिव ये है। नाउ नेक्स्ट इज फैमिलराइज देमसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी।
इंडियन इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर कैसा है कैसे नहीं है उसके साथ भी बच्चों को फैमिलराइज किया जा सके, इस वजह से भी इसको पढ़ा जाता है। एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से इंडिया में डेवलपमेंट कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है इसकी, इसको भी समझने के लिए बच्चों को अपन की इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज इन्हेंस देयर अवेयरनेस ऑफ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटिंग द इंडियन इकोनॉमी एंड द कंसेप्ट ऑफ सुटेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चों की एक हमारे इंडियन इकोनॉमी के कान सामने कौन कौन से इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है जिन, और हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उन सबको समझाने का भी इसमें प्रयास किया जाता है, उनकी अवेयरनेस होती है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, इस वजह से भी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट इज इक्विप देमसेल्फ विद द वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स टू एनालाइज इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारे जितने भी 6 से 7 ऑब्जेक्ट हैं आपको मैंने डिस्कस किए, ये एनसीईआरटी ने प्रोवाइड करवा रखे हैं हायर लेवल पर, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल पर इकोनॉमिक्स टीच करने के ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी के द्वारा प्रोवाइडेड है। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स एज लेड डाउन बाय सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की क्या ऑब्जेक्टिव, सीबीएसई ने क्या ऑब्जेक्टिव बताया टीचिंग इकोनॉमिक्स के, देखो फर्स्ट इज टू हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग इकोनॉमी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन एंड देयर हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव। बच्चों की जो स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स के बारे में और हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव इंडिया का, तो उसमें बच्चों की अंडरस्टैंडिंग उसमें हेल्प हो सके। नेक्स्ट इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अवर इकोनॉमी एंड चेंजेज इट इज अंडरगोइंग। कि स्टूडेंट जो अब हमारी इकोनॉमी में क्या चेंजेज हो रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या चल रहा है उसके अंदर में, इन सब की स्टूडेंट्स के समझ विकसित हो सके, डेवलप हो सके, अंडरस्टैंड, इसलिए इसमें हेल्प की जाती है, हमारी इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स एक्वेंट विद प्रिंसिपल्स लॉज एंड कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स जो कुछ लॉ है वो कंसेप्ट क्या है, तो उसमें भी बच्चों को हेल्प मिल सके ये सब। नेक्स्ट इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड मेथड्स यूजिंग इन कैलकुलेटर नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट क्या है और नेशनल इनकम को अपन कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके मेथड्स के बारे में बच्चों को जानकारी मिल सके, बच्चों की हेल्प हो सके, इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़ा जाती है। नाउ नेक्स्ट इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स अप्रिसिएट द नीड फॉर इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन। कि इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन की आवश्यकता है क्यों है, कैसे इन सब में बच्चों की हेल्प मिल सके, इस वजह से भी इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है हमारे हायर लेवल पर, हायर सेकेंडरी लेवल पर। ये सीबीएसई ने इसके ऑब्जेक्टिव बताए हैं। ओके बच्चों, ये आशा करता हूँ आप लोगों के इजीली समझ में आ गए होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, थैंक यू।